हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे आज फिर से मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज। सो 22 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो आज हम करेंगे 23rd नंबर का लेक्चर को। ऑलराइट, सो जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, एक बार जरूर प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, और जितनी भी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको लेक्चर करवा रखे हैं उन्हें आप जरूर देख लें, ठीक है। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके ही फायदे के लिए है, टर्म टू एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। सबसे पहले आप छोटा सा काम करना, जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, एंड बेल आइकन को यहाँ पर सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों को पता है ये क्लास आप तक डेली 6 PM इवनिंग तक पहुंच जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो आइए अगेन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। डेली देखिए आपके लिए 6 क्वेश्चंस लेके आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोग इसको एक बार जरूर देख ले। ये आपके प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिल सकते हैं एंड बोर्ड एग्जाम में भी। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम कराता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ऑलराइट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर दिन आपका डिफरेंट क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको बताया जब भी आप लोगों का यहां पर देखिए सेम क्वेश्चन होता है, जब मतलब क्वेश्चन आपका जब भी रिपीट हो जाता है तो आप लोग समझ लेना कि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी इतनी बार रिपीट हो रहा है हमारी मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में। प्लेलिस्ट चेक करना, आपको प्रीवियस जितना भी आपको करा रखा है आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, जो भी आपको करना है कंप्लीट रिविजन करना है, अगर आपको हर एक चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप लोगों को यहां पर करवा रखा है। ऑलराइट, सो आप लोगों के लिए साइंस की भी क्लास ले रखी है, जरा सभी लोग चेक कर लेना। सो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। आइए सो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन अपॉन ए और ये एक्स प्लस वन। देखिए स्टूडेंट्स कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपको देख के नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं? आएंगे, जरूर आएंगे, जरा देखते हैं कैसे नहीं आएंगे। चलिए, सो कैसे करना है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, रूट्स निकालने को कहे या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखियो, यस ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है, पावर 2 है यहाँ पर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको स्टार्ट करते हैं एक नए तरीके से। नया तरीका ये है स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शनल पार्ट है ना, उसको हटाना है। मतलब सबसे सिंपल तरीका, यार ये फ्रैक्शन हमें प्रॉब्लम करेगा और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। सो इस फ्रैक्शनल पार्ट को हटाने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, ए इंटू ए बन जाए ए और ए इंटू ए स्क्वायर, ये सिंपल सी आपकी क्या है, एक एलसीएम है, आपको पता है कैलकुलेशन है। ऑलराइट, चलिए सो अभी इसको 2 सेकंड में तो नहीं कर पाएंगे, 1 मिनट में पक्का कर लेंगे। चलिए सो देखिए यहां पर करना कुछ नहीं ना, अब ध्यान सुनिए, इस ए को हटाने के लिए, ये भाई साहब जो नीचे ए है ना, इसको हटाने के लिए हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑलराइट, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ सो प्लीज कमेंट बॉक्स आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर, उसमें आप कहिए आपका जो भी डाउट है, ठीक है। अगर स्लो, थोड़ा सा स्लो करना है तो स्लो भी कर लेंगे आप लोगों के लिए, लेकिन स्लो बनना नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ए बन जा ए, यस इट मीन्स अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ इसी को क्यों करूंगा ए से मल्टीप्लाई, यार करना तो सबसे पड़ेगा ना, नहीं तो क्वेश्चन हम गलत कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन को बैलेंस नहीं कर रहे। सो बैलेंस करने के लिए तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, मैं सबको क्या कर देता हूं, ये इक्वेशन की राइट लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड, इन दोनों में मैं ए का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई साहब ए खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, सो चलिए तो ए खत्म करिए, देखिए यहां लिख सकते हैं आप सभी लोग कि मल्टीप्लाइड बाय ए बोथ साइड। ऑलराइट, जल्दी से आइए, सो देखिए मल्टीप्लाई करिए, यहां ए का मल्टीप्लाई, यहां भी ए का मल्टीप्लाई, यहां भी ए का मल्टीप्लाई और यहां भी ए का मल्टीप्लाई। अब ये तो जीरो के पास कोई भी जाए, कितना सा कितना बड़ा इंसान भी जाए वो भी जीरो हो जाता है। सो ये बात ये नहीं है, ये है कि ए इंटू जीरो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऑलराइट, सो चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पर ए मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे करके, यहां भी ए आएगा तो ए से ए कट जाएगा। ऑलराइट, ए आएगा तो ए से ही कट जाएगा, मैं डायरेक्ट बताता हूं आपको, ए स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस ए। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब इसको कौन नहीं कर पाएगा, अब देखिए आपको ज्यादा रिमार्क नहीं लगाना है, क्वेश्चन ने खुद ही आपको स्प्लिट करके दे दिया, मिड टर्म स्प्लिट वाला बात होती है ना। देखिए यहां पर ध्यान सुनना, ऐसी कोई बात नहीं, यहां पर एक काम कीजिए, ये अलग बीच में आपको जो दे रखा है ए स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, इसमें आप एक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, मैं जो बता रहा हूँ सभी लोग ध्यान से सुनना,
ऑलरेडी आपको स्प्लिट करके दे रखा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई थैंक्स टू सीबीएसई कि उन्होंने हमें यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए थोड़ा सा काम जो है हल्का कर दिया है। चलिए सो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एंड एक्स प्लस ए, ये बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया। नाउ टेक अ कॉमन, ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है भाई, ये बात ही है ना, क्या है देखिए ए एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस ए बचेगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, ए एक्स यहाँ भी है, ए एक्स यहाँ भी है, कॉमन का मतलब जो दोनों के ही पास हो और सबसे ज्यादा हो, सो यही मतलब, तो ए एक्स ही ऐसा है जो दोनों के पास भी है और सबसे ज्यादा भी है, ज्यादा से ज्यादा है उसके पास, दोनों के पास है ए और एक्स, ये चीजें आपको पता है। फिर प्लस यहाँ वन लिख सकते हैं और ये हो गया एक्स प्लस ए अगेन, सो यस द फैक्टर्स बिकम्स ए एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो, सो यहां से सॉरी आप लोग जीरो। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर से क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर, कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे सो यू विल गेट ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ए, किसको नहीं आएगा, उड़ा देंगे उड़ा, ये ऐसे उड़ जाएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब एक्स प्लस ए, नेक्स्ट थिंग इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्या बात है, मजा आ गया, सुन मजा आ गया स्टूडेंट, देखिए क्या a माइनस ए एंड माइनस वन अपॉन ए आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है तो, आई होप कि आ जाएगा अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो। चलिए सो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लेके आते हैं, बोरिंग क्वेश्चन नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है, आइए। चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इसमें, टेंशन नहीं लेनी है, डरना बिल्कुल नहीं है, बस करते रहिए, सही है। देखिए क्या लिखा गया, फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, देखिए फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, ठीक है, के की एक नॉन जीरो वैल्यू निकालिए, मतलब के अगर जीरो आएगा तो प्लीज रिजेक्ट कर देना, ठीक है, लिख लेना, लेकिन आंसर में क्या लिखना, के की वैल्यू पॉजिटिव वाली आंसर लिखना, मतलब नॉन जीरो होनी चाहिए, बात ये है नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ऑलराइट चलिए देखते हैं, फाइंड दैट नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के, देखिए बहुत अच्छी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, आइए देखिए बहुत अच्छी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, मैं अभी भी आपको बता देता हूं, आप लोगों ने तरह तरह के क्वेश्चंस कर लिए हैं और मैंने भी आपको तरह तरह के क्वेश्चंस करवा दिए, क्या मैंने अभी तक ऐसा क्वेश्चन कराया आप लोगों को, जरा आप सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर, प्लीज एंड तक रहना, मैं आपसे अभी भी कह देता हूँ स्टूडेंट्स की हर एक क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टर्म टू एग्जाम के लिए, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो बाहर से आए, ठीक है। देखिए सो ये है हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, यार अभी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो सही बट अधूरी है, मेरे कहने का मतलब यस बन सकती है, इसे बनाओ, ठीक है इसे बनाओ, कौन बनाएगा, आइए जल्दी से देखिए बनाने का मतलब ये, यार ये क्या कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर बाहर क्या कर रहा है, ये तो अपने दोस्त के साथ जाएगा, अपने साथी के साथ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म जो भी है वो एक साथ रहेंगे, ठीक है एक्स स्क्वायर का टर्म एक साथ रहेगा, एक्स के टर्म एक साथ रहेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म जाएगा सबसे लास्ट में, ऑलराइट सो कॉन्स्टेंट टर्म सबसे लास्ट में जाएगा, वेरी गुड, ठीक है वो मजे में रहता है क्योंकि वो लास्ट में ही रहता है हमेशा, ये आपको पता है। चलिए सो कॉन्स्टेंट है इसीलिए, अब देखिए के एक्स स्क्वायर देन प्लस का एक्स स्क्वायर, ऑलराइट ध्यान से सुनना, मैंने इसको यहां लिया क्योंकि मैंने कहा साथी अपने साथी के साथ ही जाएगा, ऑलराइट चलिए सो अब क्या है माइनस का टू के माइनस वन, यार जो जिससे इंटू हो गया वो उसका साथी बन गया, मतलब एक्स ऑलरेडी टू के माइनस वन से इंटू है तो एक्स हमेशा क्या रहेगा, इसका साथ रहेगा, एक्स का साथ हमेशा टू के माइनस वन के साथ रहेगा, मतलब बात यह है कि एक्स का कोफिशियंट पूरा टू के माइनस वन बन गया। अब बचा हुआ जो मजे में है, जो फ्रीली है, ये बहुत मजे में भाई साहब कि वन काफी मजे में है यहाँ पर, सो वन हो गया, अब कुछ नहीं करना है। नाउ दिस इक्वेशन अगेन सिंप्लीफाई, सो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स स्क्वायर और के प्लस वन, देखिए टेक कॉमन फ्रॉम बोथ एंड नाउ 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, समझ में आया तो लाइक जरूर कर दें, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट प्लीज सभी लोग लाइक कर दें। सो यहां पर देखेंगे अब क्या है ना, बात बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है, a b और c आप लोगों को पता है, आप लिख सकते हैं a कितना है यहां पर, देखिए a इज द कोफिशिएंट, एक काम करते हैं ना पहले k प्लस वन लिख लेते हैं, ठीक है देन एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, a है आपका k प्लस वन, b जो है आपका माइनस टू ऑफ k माइनस वन, क्वेश्चन करते समय प्लीज
इधर उधर ध्यान मत देना, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको क्या होगा अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान देते हैं ना, तो ये जो माइनस और प्लस वाली गलतियाँ ये हो सकती हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ये हो सकती हैं, ये होता है सबके साथ, इवन मेरे साथ भी होता है, बट नहीं करनी है ऐसी चीज़ें। ठीक है, आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो प्लीज़ फोकस ऑन दैट क्वेश्चन, ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑल राइट, प्लीज़ ध्यान सुनना। सो बी इज इक्वल टू माइनस टू एंड के वाली ये इज वेरी गुड एंड दैट सी इज इक्वल टू वन। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर होगा। चलिए कुछ नहीं करना है ना, अब बात ये है कि अच्छा अगर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पूरा तो ये भी गलत बात है, क्वेश्चन पूरा पढ़ ले। ठीक हैज इक्वल रूट्स बोला, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वल रूट्स है, find the roots of the equation. So मैं यहां पर सिर्फ k find करके दिखाऊंगा। ठीक है, find the non zero value of k कह रहा ना, so k की non zero value निकालते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप लोग quadratic equation find करके इसकी दिखा देना। चलिए स्टूडेंट अब क्या करना है, d को zero लीजिए, क्योंकि d को zero रख लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब भी हमारे पास रूट्स इक्वल होते हैं या फिर रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो d जो डिस्क्रिमिनेंट कहलाया जाता है वो जीरो हो जाता है जल्दी से। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट। अब देखिए b इज इक्वल टू कितना है, यस इसको स्क्वायर करना कोई कठिन चीज नहीं है। पहले देखिए माइनस टू ऑफ k माइनस वन इसका स्क्वायर करना है, सो इसका भी स्क्वायर होगा और साथ साथ इसका भी स्क्वायर होगा, होगा ना। चलिए इसका भी स्क्वायर होगा और साथ साथ इसका भी स्क्वायर, कि होल स्क्वायर होगा माइनस माइनस। यार एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रिक बताता हूं आपको, कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अगर ऐसे इस वाले क्वेश्चंस को, तो कोशिश करना मोस्टली यहां ध्यान से, इसके पास माइनस मत रखना, इसको पहले ही उधर ले जा दीजिए। तो 4ac ये माइनस 4ac वहां जाएगा, तो 4a कितना है यहां पर देखिए, a कितना है k प्लस 1 एंड c, c इज ऑल मच 1, वेरी गुड। लो ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आ गया 4, ऑल राइट ये कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना आ गया k स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी, ए स्क्वायर प्लस वन लिखते चलो माइनस टू ए बी मतलब 2k। ऑल राइट, देखिए मैंने क्यों कहा, मैं अभी आपको बताता हूँ, कुछ तो रीजन होगा ना स्टूडेंट, तभी तो कह रहा हूँ, इसलिए ये रीजन यही था कि 4 से 4 जो है वो कट जाएंगे। चलिए अब करते हैं कुछ नहीं, के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के आ गया, अब सॉल्व करना तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, के स्क्वायर प्लस वन माइनस का 2k इज इक्वल टू के प्लस वन, वन से वन काट लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वन माइनस वन जीरो होगा, ठीक हो गया। अब के स्क्वायर माइनस टू के एंड दिस के कम्स देयर हेयर, सो माइनस टू के माइनस टू के माइनस के माइनस का 3k। लो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट, बट ध्यान सुनना अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव के को नॉन जीरो करना है तो एक काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो k की वैल्यू आप डायरेक्ट सिर्फ 3 लिखना, क्योंकि k की वैल्यू यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नॉन जीरो वैल्यू, मतलब k अगर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से ये आपको नहीं दिखाना कि k जीरो होगा, ठीक है, k जीरो नहीं दिखाना, k इक्वल टू 3 आ गया। और एक चीज और स्टूडेंट, k तो वैसे भी शायद जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, यस जीरो तो हो सकता है बट दिखाना नहीं है, जीरो हो सकता है क्योंकि k की वैल्यू जीरो रखेंगे, जीरो प्लस वन यस एक्स स्क्वायर बनेगा, k की जीरो रखेंगे जीरो माइनस वन यस वेरी गुड, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म तो होगी, बट यहां पर आपको क्या करना है ना, के की नॉन जीरो वैल्यू निकाल के उसका फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब के की वैल्यू 3 रखनी है, यहां पर के की वैल्यू 3 रखी है आप सभी लोग, कहां पर सॉरी हियर दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ के इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड हेंस द फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ठीक है, बाय ऑन पुटिंग द वैल्यू के इज इक्वल टू 3, मतलब के की वैल्यू यहां 3 रख लेना, 3 प्लस 1 4x स्क्वायर, के की वैल्यू यहां 3 रखना, 3 माइनस 1 2, ठीक है, टू टू जा माइनस 4x प्लस 1, देन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आप लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की दो रूट्स मुझे फाइंड करके बताएं आप लोग, ये आपकी मर्जी है, आप लोग उसको दो तरीके हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है और दूसरी क्या है आपकी यहाँ पर क्या कह सकते हैं उसको, क्या है उसका नाम, फैक्टराइजेशन, जिसको हम मिड टर्म स्प्लिट मेथड भी कह सकते हैं। चलिए देन नाउ दस यस अब करते हैं, आते हैं थोड़े से कहां पे आपको सर्कल की ओर ले जाते हैं, जल्दी से आइए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं कौन से क्वेश्चन की बात करता हूं यहां पर, जो सर्कल का क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी काफी टाइम पहले आपको करवा रखे हैं, ठीक है, तो फिर से अगर आया है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए यहां पर क्या लिखा गया, देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड्स पता है आपको क्या होते हैं, सच दैट ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ऑल राइट, द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना,
क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, ध्यान सुनिए। सबसे पहले एक गोला बनाइए जिसको हम कहते हैं सर्कल। वेरी गुड। सर्कल के पास दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। वेरी गुड, लिखा गया है दो पैरेलल कॉर्ड्स बना दिए। अब पैरेलल कैसे बनेंगे? ऐसे और ऐसे। ठीक हो गया। चलिए ध्यान सुनना, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। वेरी गुड। तो ए बी एंड सी डी। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है आप लोगों को, चलिए कितना कितना डिस्टेंस दे रखी है। ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 10 सेंटीमीटर एंड सी डी 24 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, कुछ नहीं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे कि, ठीक है। चलिए ये हो गया सी एंड डी। ये कितना है देखिए, यहाँ ध्यान सुनना, ये कितना आपका पूरा 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना आपका 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं, अगर सेंटर से लाइन जाएगी तो आपको पता है ना, इस ए बी और सी डी को क्या करेगी, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, ए बी और सी डी को, तो यहाँ से मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, तो आपको पता है इस लाइन ने क्या कर दिया, इस जो स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन है डायमीटर मान, डायमीटर नहीं है मतलब स्ट्रेट लाइन है क्योंकि सर्कल के सेंटर से जा रही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस सी डी और ए बी को क्या कर दिया, इक्वली, जो कि परपेंडिकुलर कह सकते हैं, बाइसेक्ट कर दिया। सो मतलब उसने डिवाइड कर दिया सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में। सो आप लोग लिख लेना, यहाँ पर 12 हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, और ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, सभी लोग ध्यान सुनना। यहां पर ये थोड़ा बोला है कि दोनों पैरेलल कॉर्ड्स एक दूसरे से एक, मतलब दो जो जो यहां पर कॉर्ड्स है यहां से यहां तक। ठीक है, देखिए इससे क्या हुआ, अब ये थोड़ा पता कि ये वाला कॉर्ड, ये वाला पॉइंट इस कॉर्ड से कितना दूर है और ये वाला कॉर्ड इस कॉर्ड से कितना दूर है, ये थोड़ा पता है। मतलब ध्यान सुनिए, अगर मैं कहूँ सी डी अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो आप कहते हैं ये तो छोटा है और ये बड़ा हो गया। सो ये डिफाइंड नहीं है। तो उसमें ध्यान सुनना, यहाँ पर आप गलती मत करना। किस बात की मैं बताता हूँ, क्या गलती हो सकती है। सबसे पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लेना, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेना, ओ ए ओ बी तरीके का कुछ होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ऐसे करना चाहे ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ये चीज़ें आप ज्वाइन जरूर कर लेना। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। सो ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी। अब ध्यान सुनिए, आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिए ये ए बी सी डी हो गया, इसको पी मान लीजिए, इस पॉइंट को क्यू मान लीजिए। जो पी क्यू है ना, ध्यान सुनिए, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस और ओ से लेके क्यू तक की डिस्टेंस, आप ये मत समझना कि ये इक्वल्स हैं, ये इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉर्ड जो है वो कहीं भी हो सकती है, पैरेलल तो है, तो क्या पता थोड़ा ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, यहाँ पर हो कॉर्ड। ठीक है, तो इस बात का सभी लोग ध्यान देना। ऑलराइट स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देना, सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है। अगर ऐसा बोला होता तब तो बहुत अच्छा हो जाता। क्या होता तब, अगर पूरी डिस्टेंस 7 कुछ भी दे रही थी, मान लीजिए 10 दी होती, तो आप इसको 5 और इसको भी 5 रख लेते। बट यहाँ ध्यान, यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। आप लोग जो गलती कर सकते हैं वो मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए क्या है ना, यहाँ से पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रही है आपको, 17 सेंटीमीटर। यस, आई थिंक ये 17 ही दे रखी है, देख लेता हूं एक बार मैं। चलिए, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, यस 17 दे रखी है। आपको रेडियस फाइंड करना है, सो वी हैव टू, यू हैव टू फाइंड ओ ए एंड ओ सी। सो हमें क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है, ठीक है, या फिर ओ सी। अब रेडियस है तो कुछ भी हो सकता है ना, रेडियस है तो आप लीजिए अपने मन से, रेडियस है ना, रेडियस तो कहीं से कुछ भी निकाल लीजिए, या तो ओडी निकाल लीजिए, ओसी निकाल लीजिए, ओए निकाल लीजिए, ओबी निकाल लीजिए। मैं मान लेता हूँ लेट ओ इज इक्वल टू आर, लेट ओ इज इक्वल टू आर मान लिया, तो ये आर है तो भाई अब सब आर हो गए। ठीक है, आपको पता है क्योंकि रेडियस है। देखिए एक तरीका है तो बताने का, आप लोगों को ढंग से बता रहा हूं। अब देखिए स्टूडेंट सुनिए, जब मैंने कहा पी से लेकर क्यू तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, देखिए ये कितनी है, टोटल 17 है। सो आप मान लीजिए अगर ये एक्स है तो ये 17 माइनस एक्स है, ये अगर इतनी एक्स है ये ओ पी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओ पी इज इक्वल टू, अगर इसको बड़बड़ लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेट ओ पी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। सो उस हिसाब से ओ क्यू कितना हो जाएगा, 17 में से एक्स माइनस कर देना। मैंने अभी भी कहा जो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगर ये बोला होता जो कॉर्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन आपको पता है क्या होता है यहाँ पर से, फिर आप क्या करते हैं इसका हाफ कर देते हैं और आधा यहाँ लिखते हैं, आधा यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने अभी क्यों बताया। ठीक है, मतलब 17 ये था, तब आप क्या करते, 17/2 इस साइड एंड 17/2 ये वाला। सो ये डिफाइंड नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी है आप लोग को इस क्वेश्चन में, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है। ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट, चलिए। सो अब आप क्या करेंगे, OP is equal to x centimeter, OQ is 17 minus x। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, मैं एक इस तरीके से लेता हूँ, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए वैसे यहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा अगर मैं लिख लूँ, चलो लिख लेते हैं, ये हमारा x
ठीक है, और ये हमारा 17 माइनस एक्स। चलिए थोड़ा सा छोटा हो गया डायग्राम। ऑलराइट, ध्यान सुनना, जो ये ओ क्यू है, ओ से लेकर क्यू तक 17 माइनस एक्स है, और ओपी जो है वो एक्स है। इसका आप ध्यान देना, सभी छोटा सा लिख देता हूँ 17 माइनस का एक्स। समझ गए आप लोग 17 माइनस एक्स है, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप सुन लेना, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो वैसे दिखना चाहिए, थोड़ा सा भी दिख रहा है तो, वैसे तो नहीं दिख रहा है आपको, चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा छोटा हो गया फिगर। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखिए इन ट्राइंगल ए पी क्यू, अभी देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ये आपको पता है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा। इसमें आप लिख लेना कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ओ पी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, सेम ओ क्यू कर रहा है सी डी को, या सीधे लिख देना पी क्यू जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है सी डी को, और पी क्यू ही क्या कर रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, ये आपकी मर्जी, आप जो ले सकते हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट, क्योंकि सेंटर से जा रहा है तो भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, सो यस बाइसेक्ट किसको कर रहा है, सी डी को कर रहा है, इसीलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए, ठीक है। ऐसे ए बी को कर रहा है, इसीलिए ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए 5 और 5। डियर स्टूडेंट्स क्लियर है आप सभी लोगों को, चलिए अब एक काम करते हैं फटाफट से, इन ट्राइंगल ओ पी ए, इन ट्राइंगल ओ पी ए के अंदर देखिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, जो कि यहां पर दिख रहा है, देखिए 90 डिग्री, ये सामने वाला जो रेडियस है ये हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये आप लोग कुछ भी ले लीजिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम चले, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो देखिए इन ट्राइंगल ओपी के अंदर आपको दिख रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लाइक सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक सबको, चलिए अब नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर, अगेन आप देखिए अब दूसरा ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ओ सी एंड क्यू, देखिए ओ पी ए ले लिया, ओ क्यू एंड सी ले लेते हैं, ठीक है, ओ क्यू सी ले लीजिए, ओ सी क्यू, ओ क्यू सी, ऑलराइट, ओ क्यू सी में फिर से देखिए 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, सो आप देखेंगे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर 17 माइनस एक्स का, ठीक है, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देन प्लस कितना 12 का स्क्वायर, ऑलराइट, क्योंकि टोटल 24 था, यहां तक दिख रहा है सबको 12 का स्क्वायर तक, चलिए वेरी गुड। आइए स्टूडेंट अब क्या करते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 17 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये आर स्क्वायर ये स्क्वायर सेम हो गया, ठीक है, ध्यान सुनना, दिख रहा है आप सभी लोगों को, देखिए फर्स्ट और सेकंड में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट या फिर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर सीधे लिखना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये आप लोग लिखना जो भी आपको लिखना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने से मतलब ये है कि हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड उसकी बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगी। सो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, 70 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, जल्दी से आइए, इसको फिर लेट होगा नहीं तो, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है आप लोगों का 289, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 734x एंड प्लस का 144। स्टूडेंट्स क्लियर है, चलिए अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दीजिए और आप लोगों का क्या आता है उसको उससे प्लस कर लीजिए, सो 289 में से 144 प्लस करेंगे, 9 + 4 13 का 3 1 8 9, 13 का 3 1 2 3 4, सो 433। सो देखिए 433 आ गया, अब ध्यान सुना सबको, यहाँ लाता हूँ, ये प्लस का आया है ना, ये सारा यहाँ प्लस का है, ये और ये प्लस के हैं, इसको यहाँ लाऊंगा और इसको भी यहाँ ले आता हूँ, सो 34x, ठीक है, प्लस 25 और ये वाला वो वाला यहाँ आया 433 वाला इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस कीजिए, 433 में से आप लोग 25 माइनस करेंगे, ये आएगा 13 12 11 10 9 8 और 0 408। सो 34x इज इक्वल टू माइनस का आएगा ना 408 यहाँ पर, चलिए ये वहां जाएगा, सो 34x इज इक्वल टू 408, सो x इज इक्वल टू 408 अपॉन 34, 17 कितने जा, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 10 and 7 6, 17 2 जा 34 6, 17 4 जा 68, so it becomes 12, so x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई है। ऑलराइट स्टूडेंट ध्यान सुनना, x कितना आ गया आपका 12 आ गया, सो x 12 आ गया। अब देखिए आपको r निकाला तो कहीं भी रख लीजिए, यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ देखिए, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू x कितना आया 12 आया, सो 25 प्लस यहां देखिए x कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144,
सो यहाँ से 169 और अब इसका अंडर रूट करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा 13. सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स सॉरी रेडियस रेडियस हमारी 13 सेंटीमीटर आ गई. आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो स्टूडेंट्स चलिए अब फटाफट से एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर एपी का. एपी के दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास. विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स इट्स कौन उसी एपी के ठीक है 21st टर्म से. एपी का ऐसा कौन सा टर्म है. देखो भाई एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जब बोला जा रहा है तो आप लिख लीजिए कि एपी का वो nth टर्म है. ऑलराइट सो ये एपी का ऐसा कौन सा टर्म है तो आप लिख लीजिए कि एपी का सर एपी का वो है nth टर्म. सो एपी का nth टर्म ही ऐसा है. कैसा है. ऐसा है जैसा बोला गया है. एपी का मान लीजिए कि देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है ना बताइए कि विच टर्म कह रहा है तो हमने मान लिया nth टर्म. एपी का nth टर्म ही ऐसा है. सो एपी का विच टर्म ऑफ एपी 3 कॉमा अब एपी दे रखी है कौन सी किस एपी की बात कर रहे हैं. इस वाली एपी की बात कर रहे हैं कि 3, 15, 27 and 39. ऑलराइट ध्यान सुनिए इस वाली एपी का कौन सा टर्म ऐसा है जो 120 जाता है इसी एपी के 21st टर्म से. इसी एपी के 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा ठीक है. वो कौन सा टर्म है. सो वो यही टर्म है जो इस एपी के 21st टर्म से भी 120 ज्यादा है. सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट यही बोला गया. वेरी गुड बिल्कुल ऐसे ही कीजिए 120 मोर देन इट्स 21st टर्म लीजिए. सो एपी आपके पास ये है इसका आप ध्यान देना जिसमें ए है 3 और डी है 15 माइनस 3 करके 12 आ गया. इसको देख लीजिए ए प्लस एन माइनस डी. अभी आप एक काम करिए इसको पहले ऐसे लिख लीजिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर है. अब देखिए कितना है ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 डी आपको पता है कितना आ गया यहाँ से 12 आ गया एंड ए 3 है यहाँ पर से डी 12 है तो 240 और ये 120 कितना आ गया. देखिए ये आ गया 360 और 363 तो यहाँ से आ गया और ये आ गया 3 प्लस 12 एन माइनस का 12. ऑलराइट ये आ गया कितना यहाँ से देखिए माइनस 9 वो वहाँ जाएगा. सो 12 एन इज इक्वल टू 363 यहाँ माइनस 9 था प्लस 9 हो गया. ऑलराइट सो इट बिकम 372. सो 12 एन इज इक्वल टू ये इतना सिंपल क्वेश्चन है बट ध्यान देना बस मत सॉरी बट नहीं. सो बस यहाँ पर आपको क्या करना है समझना है इन चीज़ों को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ क्या बोला जा रहा है. मैंने आपको समझा दिया अच्छे से ठीक है. एक बार मैंने आपको अच्छे से समझा दिया आप लोग दोबारा देख सकते हैं. 12 3 जा 36 7 6 12 1 जा 12. सो यस हमें पता लगे कि उस एपी का 31st टर्म ऐसा होगा. एपी का 31st टर्म ऐसा होगा जो 120 ज्यादा होगा उसी एपी के 21st टर्म से. सो अगर आपको नहीं आप ना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि बात है कि ये यस इट इज राइट ये सही होगा. चेक कर लीजिए आप ए 31 की वैल्यू रखिए और यहाँ ए 21 की वैल्यू रखिए. इसको सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए दोनों साइड जो है आपकी इक्वल आएंगी. चलिए स्टूडेंट्स अब इसी की अब हम बढ़ते हैं अपने कौन से क्वेश्चन की तरफ अगले एपी के अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से करते हैं. आइए ओके देखिए स्टूडेंट अब सम का क्वेश्चन कर लेते हैं. थोड़ा सा सम वाला क्वेश्चन है. सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी गिवन है आपका. सम ऑफ फर्स्ट 7 मतलब एपी अगर 7 टर्म्स हो उन सबका सम करके ठीक है कितना लिखना है आपको. एस 7 इज गिवन टू यू दैट इट इज 49. ऑलराइट चलिए तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए. एस 7 का मतलब फिर वही एस एन का मतलब एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इन टू डी ठीक है. सो एन अपॉन टू 2a प्लस व्हाट इज n हेयर 7 7 माइनस 1 6d. क्लियर है सभी लोगों को. चलिए 6d और इक्वल टू में कितना सॉरी हाँ ध्यान सुनो ये n तो लिख दिया यहाँ पर n चीजों को 7 तो लिखना पड़ेगा क्योंकि n दे रखा है मैं और ये 49 7 7 जा 49 2 7 जा 14. सो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 14 आ गया. इसको पहले क्वेश्चन मान लीजिए. अब बढ़िए अपने अगला जो यहाँ पर लिखा गया n दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म. अब देखिए यहाँ पर आप ए 17 मत लिखना ठीक है. जो एंड बात हो रही है किसकी बात हो रही है उसी सम वो सम की ही बात हो रही है ठीक है. उसी एपी का जो है यहाँ पर उसका फर्स्ट 17 टर्म्स का जो सम है 289 है ठीक है. एंड दैट ऑफ इट्स 17 टर्म्स मतलब ठीक है जो पहले बात जिस चीज के बारे में बात हो चुकी है पहले की सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म इज 289. इसका मतलब सम की ही बात हो रही है. तो एस कितना यस एस 17 इज गिवन आपको 289. देखिए आप कर लीजिए 17 बाई 2 और
2a प्लस 17 माइनस 1 16 का d। अब 17 की टेबल क्या है, 17 का पता होना चाहिए, 17 को 17 बार मल्टीप्लाई करते हैं 218 आता है, 72 34, सो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 34। ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऑन सॉल्विंग लिख लीजिए, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व एनी इक्वेशन, एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सो 1 एंड 2 को सॉल्व कीजिए। सो एक काम करते हैं, बड़ा वाला यहाँ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए, नॉट 6 इट इज 16, ऑल राइट, जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो ये हो गया आपका 16d इज इक्वल 34 और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू हाउ मच 14। देखिए माइनस करना है इनको, प्लस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, इसको देखकर साइन चेंज हो जाता है। सो ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 10d और यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। सो आपसे क्या कह रहा ना स्टूडेंट, देखिए d 2 आ गया है, d 2 6 और 12 एंड 40 माइनस 12 कितना 2, a कितना आ गया 1। सो देखिए यहाँ रखता हूँ इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में d की वैल्यू, इन फर्स्ट में रखेंगे हम लोग, सो 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 14, 2 इज इक्वल, ये वहां जाएगा तो 2 बनाएगा, आपको पता है 2 बनाएगा, देन a की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालिए, अब ये कह रहा है ये क्या चीज है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये फाइंड कीजिए। अब ये कुछ नहीं है ना, इसके लिए बनाइए, इसके लिए इस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म के लिए जनरल टर्म बना लीजिए, इस तरीके से बात कह रहा है। सो Sn बता दीजिए बस आप लोग, n नहीं रखना आपको, n बाय 2 और ध्यान सुनना 2, a रख लीजिए, a कितना है 1, 2 a प्लस n भी नहीं पता, n नहीं रखना है, d कितना है आपका 2 है, क्लियर है। चलिए सो क्या होगा यहाँ पर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर Sn इज इक्वल टू n बाय 2, ये आ गया 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया 0, ठीक है, 2 माइनस 2 0 हो गया और 2n बचा, सो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 और इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, इट बिकम्स n स्क्वायर। सो Sn कितना आ गया आप लोगों का, n स्क्वायर आ गया। माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्लियर होना चाहिए और होगा भी। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। सो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलिए चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज थोड़ा सा हम फास्ट हैं क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो चुके हैं, बहुत होशियार हैं, मेरे साथ कर रहे होंगे, ऑलराइट। अगर आपको लगता है इस तरीके से कि नहीं आ रहा समझ में कि थोड़ा सा सर स्लो करिए, तो ये भी हम कर लेंगे, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, आप लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, ऑलराइट स्टूडेंट। सो आप लोग बस इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को जितना भी हो, देखिए फ्रेंड्स ध्यान सुनना, क्लास में अगर एंटर कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, क्योंकि आपके फायदे के लिए बोली जा रही है जो भी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, और क्योंकि देखिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी कुछ मिस हो गया, देख कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना बस क्या करिए, आधा घंटा या एक घंटा निकाल लीजिए, आप आराम से इसको पढ़िए, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, कुछ लॉस तो नहीं हो रहा आपका, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर फायदे में ही है चीज़ें। आइए स्टूडेंट्स, अब करना क्या है ना, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन है, द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ, भाई बरसात के दिनों में छतों में पानी भर जाता है ना, भर जाता है, आप ऐसा तो नहीं हो जैसे मेरी ख्याल से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तैरने जैसा हो जाए, लेकिन तैरने से तो कुछ नहीं होता, बढ़िया से एक एग्जांपल है, होता है वैसे तैरने से नहीं, मतलब पानी जो है छत में यहाँ पर जो है वो आपका जमा हो जाता है, मतलब कलेक्ट हो जाता है। द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ डायमेंशन 22 मीटर × 20 मीटर। सो ध्यान सुनना, छतों में, अब छत है ना, ध्यान सुनिए, छत बात यह है कि देखिए स्टूडेंट, आप अपनी छत देखिए, आप अपनी छत देखिए कैसी है यार, बताइए उसका सरफेस कैसा है, आप मान सकते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगुलर सरफेस है उसका, यार होगा ही, अब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए क्या है उसका, रेक्टेंगुलर सरफेस है, अब देखिए क्या मतलब रेक्टेंगुलर सरफेस है छत की होती है वैसे, ठीक है, तो सरफेस कैसी भी हो मतलब आपको दिख रही है फ्लैट तो है, ठीक है, मतलब उसमें लेंथ भी है, उसमें ब्रेथ भी है, उसमें लेंथ भी है एंड उसमें ब्रेथ भी है, ध्यान सुनना, बारिश हुई, पानी गिरा छत के ऊपर और क्या हुआ, तालाब जैसा बन गया, थोड़ा सा कुछ भी बन गया, लेकिन तालाब बना कहाँ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड में बन गया एक तालाब, अब बन गया तालाब, बन गया तो क्या हुआ, पानी देखिए ऐसा तो अभी मान लीजिए चारों तरफ से वॉल्स लगी हुई हैं, ठीक है, अब तालाब बन गया, देखिए इसमें पानी तो क्या होगा, कलेक्ट होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हाइट हो जाएगी पानी की इस तरीके से, अब एज्यूम कीजिए ये आपका मान लीजिए क्या है, मान लीजिए रूफ है, अब देखिए इस तरीके से ऊपर से देखेंगे रूफ है, ठीक है, ये आपका रूफ है, कुछ नहीं पानी कलेक्ट होने लग गया,
आया बरसात हुई पानी ऐसे करके ऊपर को आने लगे थोड़ा, ठीक है ध्यान सुन, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आप सोच सकते हैं, ये पानी आपका इस तरीके से कलेक्ट होने लग गया, ठीक है, मतलब ये देखिए बस कुछ नहीं, ये था मान लीजिए ये था आपकी रूफ, ये आपकी रूफ थी, पानी ने इतनी हाइट ले ली ऊपर को, बस कुछ नहीं आप एग्जांपल ले लीजिए, पानी ने थोड़ी हाइट ले ली ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके थोड़ी सी हाइट ले ली क्योंकि थोड़ा जमा हो गया ना पानी, मान लीजिए इस लेवल तक पानी जमा हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ये है देखिए दिख रहा है आपको, बस कुछ नहीं, यही एक सिंपल सा डायग्राम है, ये आपकी रूफ है और इसमें पानी इतना ऊपर जमा हो गया, इतना ऊपर, ये देखिए इतना ऊपर, तो ये क्या शेप दिख रहा है आपको, एक क्यूबॉइडल शेप दिख रहा है, और स्टूडेंट ध्यान सुनना, क्यूबॉइडल शेप दिख रहा है ना, सो बस कुछ नहीं करना है, हो गया क्वेश्चन खत्म हो गया, आइए सो क्या लिखा गया जरा देखते हैं, आइए, यस द रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ डायमेंशन 20 मीटर बाय 20 मीटर, ऑल राइट, इस ड्रेन डाउन को ड्रेन मतलब खाली किया गया एक सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर दिया जिसका बेस डाया 2 मीटर था और हाइट कितनी थी 3.5 मीटर थी, इफ द वेसल इज फुल अप टू द ब्रिम, अगर वेसल को अप टू द ब्रिम फिल किया हमने, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ अ रेन वाटर ऑन द रूफ, सो रेन वाटर से जो रूफ में जो रेन वाटर था उसकी हाइट कितनी थी, मतलब कुछ नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों का, कहां कलेक्ट किया इसको, देखिए ध्यान सुनना, मतलब जितना भी पानी था रूफ में वो हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाल दिया, मतलब जितना भी वॉल्यूम था छत में पानी का उसको हमने कहाँ खाली कर दिया, पूरा का पूरा कहाँ डाल दिया, सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में डाल दिया, सो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम का क्या हो गया यहाँ पर, कन्वर्जन हो गया, सो क्या लिख सकते हैं आपकी वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन द रूफ, ठीक है, जो कि क्या लिख सकते हैं क्यूबॉइडल शेप में, या फिर रूफ करिए या फिर क्यूबॉइड लिख लीजिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ऑल राइट स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, ऑल राइट, चलिए बस क्लियर है, सो बस आप लिख लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 22 × 20, अब कुछ हाइट होगी मैंने आपको बता दिया h और पाई r स्क्वायर h, और जो डायमीटर यहां पर दे रखा है 2, सो सिलेंडर का डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस तो 1 हो जाएगी, सो पाई शॉर्ट में करें, आइए सो पाई डायमीटर 2 है ना लीजिए, तो रेडियस 2/2 और रेडियस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इनटू एच, हाइट इज हाउ मच, हाइट इज गिवन दैट 3.5 मीटर, देखिए 2 × 2 7 0.5 735, ऑल राइट, अब ध्यान सुनना 22 × 22 × 22 × 22, तो आ गया ना, अगर ये मीटर में आ रहा है तो क्यों नहीं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, मतलब छत में जो भी पानी था उसकी हाइट कितनी थी, 2.5 सेंटीमीटर पानी उठा हुआ था, ज्यादा नहीं था थोड़ा सा ही था, चलिए अब करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पर, चलिए लेट मी चेक कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कितना बेहतर है, कितना अच्छा क्वेश्चन, यस ट्राई करते हैं, आइए देखिए, चलिए एक काम करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूं तो मजा आ जाएगा स्टूडेंट, तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी ना, आप लोग भी चाहेंगे हम भी क्वेश्चन करें या सरी कराने में लगे, इससे एक क्वेश्चन तो होमवर्क बनता है स्टूडेंट, चलिए सो 6 क्वेश्चन का टारगेट वैसे भी हमारा होता ही है तो उसको हमने कंप्लीट कर लिया, आप लोग मिले होमवर्क कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने शायद पहले किया अगर मुझसे पढ़ा है तो, ठीक है धोखा नहीं दिया है तो, ठीक है सो आपने पढ़ा है ये मैं आपको बता रहा हूँ, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबॉइडल ब्लॉक, ठीक है, ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube, find the surface area of the remaining solid, क्योंकि सरफेस एरिया से आपको डाउट हो रहा है कैसे सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसके लिए इतने लेक्चर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जितने भी लेक्चर आप करा रखे हैं प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है सारे कॉन्सेप्ट आपके डाउट सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ये मैं आपको बता दिया, चलिए सो ये क्वेश्चन प्लीज आप सब लोग अटेम्प्ट करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, रिप्लाई करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ऑलराइट सो आपका आंसर सही होगा तो बोला जाएगा सही है, गलत होगा तो गलत, सो आप करेक्ट कर लेना उसको, ऑलराइट चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस क्लास को एंड करते हैं।
सभी लोग जितनी भी हमारी क्लासेस होती है इनको अपने अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है, सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए इस क्लास का भी। सो चलिए स्टूडेंट, अब आपके एक काम करना, जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार विजिट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो, लेक्चर एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच रहा हूँ, ठीक है, सो आप क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को सभी लोग प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है हम डेली आपसे मिलते हैं रोज शाम को 6 बजे 6 PM इवनिंग पर हम डेली आपके साथ पहुंच जाते हैं, आप ये क्लास आप तक पहुंच जाती है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, ठीक है। टर्म 2 एग्जाम खत्म होते ही आप लोगों के साथ फिर से हम जुड़े रहेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स को लेकर, और बहुत ही मजे से इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एंड करते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।